नमस्कार। जैसा कि हमारे सुप्रसिद्ध कवि नीरज भोपाल ने कहा है, अब तो मतलब ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मतलब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अफसोस की बात है कि आज हम एक इंसान को इंसान नहीं बल्कि उसके राज्य, उसकी घर और उसकी जाति के अनुसार ही उसको पहचान देते हैं और उसी के अनुसार उसको तवज्जो देते हैं। क्या ये अमानुषासन नहीं है? समान नागरिक संहिता इंसान को इंसान समझने की दिशा में एक अहम कदम है। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वे किसी भी घर, जाति या प्रांत का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे पर एक एक के कानून की समानता होनी चाहिए। हिंदू और मुस्लिम समुदाय में तलाक के कानून की असमानता। जम्मू व कश्मीर के भिन्न आचार संहिता पर्वतीय क्षेत्रों में जमीन खरीदने व बेचने की प्राथमिकताएं, ये वे विसंगतियां हैं जो हमारे देश की संप्रभुता को तोड़ता है। संविधान की समान नागरिक संहिता लागू करना अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की जिम्मेदारी बताया गया है, परंतु ये आज तक देश में लागू न हो सका। इसके सबसे बड़ा मुद्दा आता है हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक महिला को अपनी पति की सम्मति का अधिकार होता है और साथ ही दूसरे घर की उम्मीद होती है दूसरे जाति के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार, परंतु एक शादी के तहत दूसरी शादी करना गैर कानूनी। वही मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार एक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को मैच 3 बार तलाक बोलकर उसे तलाक दे सकता है, उसके बाद ना तो महिला को बधाई हार है और ना ही दूसरे घर की कोई उम्मीद है। तलाक के बाद एक मुस्लिम पुरुष तुरंत शादी कर सकता है परंतु महिला नहीं। अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले जल्द होंगे। कानून की समानता से देश की एकता बढ़ेगी और महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा। अंततः हमारे देश के लिए